करने जा रही हूँ अपना मंथली ग्रोसरी शॉपिंग। तो आप सबको लग रहा होगा कि मैंने अब क्यों मैंने अपना जो ग्रोसरी है क्यों बीच में मंगवाया इस मंथ के। तो एक्चुअली क्या है ना कि शराद शुरू हो गए हैं, तो कल है मेरे ससुर जी का शराद है, तो कल के लिए मतलब कुछ चीजें नहीं थी, जैसे कि घी, रिफाइंड, चीनी, तो ये जो चीजें थी ना ये नहीं थी, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने शराद के लिए ही शॉपिंग की है। तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ, मतलब जो काम की चीजें जो है ना, जो यूज वाली चीजें हैं वो कम है और फालतू की चीजें ज्यादा है। तो मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक एक करके। तो सोचा कि चलो अब आज ही ग्रोसरी आई है तो सोचा कि मैं आपके साथ आज शेयर कर देती हूँ, और इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि सारी जो ग्रोसरी है ना यहीं पर रखी हुई थी। तो सोचा पहले यहाँ से आप सबको दिखा देती हूँ, उसके बाद जब किचन में अरेंज करूंगी तो सबको अच्छे से साफ करके फिर मैं किचन में उनको यूज करूंगी। और कल है मेरे ससुर जी का श्राद्ध, तो फिर इसमें से कुछ चीजें ऐसी जो खुल जाएगी ना, इसलिए मैं आज आपके साथ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। तो एक एक करके दिखाऊंगी मैं कि मैंने क्या क्या मंगवाया है, हस्बैंड जी ने मेरे क्या क्या मंगवाया है। तो ये है चीनी 1 किलो की है, रिफाइंड नहीं था तो पूड़ियों मतलब पूड़ियां तलने के लिए ही ये मंगवाया है, इमरजेंसी के लिए मंगवाया था। और इस बार हमने लिया है इसका सोयाबीन का लिया है हमने, और बेसन एक, ये वाला रिफाइंड जो हमेशा से आगना के लिए हम आटा मंगवाते हैं, एक ये वाला आटा चक्की का आटा 2 है। और एक अपने लिए आशीर्वाद 5 किलो का है, हमारा 5 किलो चल जाता है पूरा पूरा मंथ चल जाता है। और क्या है जो मेन चीजें है ना वो आपको दिखा रही हूँ अभी मैं, और ये है घी, और ये है पूजा के लिए, और ये किचन मतलब यूज करने के लिए एक ये है, ठीक है। और इसमें से क्या है जो हाँ, और एक है ये डिश वॉश जेल, ठीक है। तो ये हो गई मेरे किचन की सामान, अब फालतू के सामान क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक है ये वाला नूडल्स का पैकेट सफोले का, ये देखिए इतना बड़ा है ये है, ठीक है। और एक है ये वाला नूडल्स का पैकेट, और ये इसको बोलते हैं मसाला, वेरी वेरी टेस्टी मसाला। और इसके साथ एक आया है ये वाला पेरी पेरी वाला वो होता है ना मसाला, तो वो है एक ये नूडल्स है। आर्नक और मुझे है पसंद काजू की बर्फी, तो घर में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इतने जल्दी जल्दी कैसे, तो उसी का ही हमने ये मंगवाया है, बस इसको हम बनाएंगे। तो ये मम्मी काटूती चप्पी नहीं काटूती बर्फी बर्फी हाँ। ओके, और ये है उपमा राइस इडली, आर्नक को इडली बहुत पसंद है तो राइस वाली मंगवाई है। भाजी, और ये है पंजाबी खिचड़ी, पैकेट ही है छोटा सा है ये वाला तो। और ये है मिल्क वाले बिस्किट, आपने को भी पसंद है ये ऑलराउंडर, तो ये 2 बिस्किट है। राई, काजू, ये 2 धूप, ब्लैक धूप है ये, हाँ ये है ब्लैक धूप, और ये है ये भी ब्लैक धूप है, और ये है बेकिंग पाउडर, एक रूम फ्रेशनर, आर्ना का पतंजलि वाला ऑयल जो कि मैं भी यूज कर लेती हूँ, इसमें एलोवेरा जेल डालकर तब यूज करती हूँ उसको। और ये है बटर चिकन मिक्स, ये मैंने पहली बार देखा है पाउच में ना, ये है। और एक है ये चीजी बिस्किट, आपना ना इसको बचपन में बहुत खाती थी तो हम उसके लिए मंगवाते थे ये, और बहुत शौक से खाती थी ये, तो फिर ये इस बार मिल गया तो ये मेरे हस्बैंड ने ले लिया है इसको।
काफी अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। खाली टाइम हो, टीवी देख रहे हो, तो ये मैं खाती रहती हूँ और साथ में आरा भी खाती रहती है। तो ये था मेरा मंथली ग्रोसरी जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, और बस आपको देख लिया ना कि कौन सी चीजें यूज में थी और कौन सी चीजें जो है वो बस। चलिए मिलूंगी जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और पता है मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैं स्कूल से आई थी, देखा ग्रोसरी आ गई है, कल खुल जाएगी आधी ग्रोसरी, तो सोचा चलो पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अब जाके मैं खाना बनाऊंगी, टाइम हो रहा है 7:45। आज मैं आ गई थी 7 बजे क्योंकि जो डे केयर के बच्चे थे वो जल्दी चले गए थे, इसलिए मैं जल्दी आ गई। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।